हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं कहां पर हूं ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हां, मैं हूं आगरा में और मेरे बैक साइड में है ताजमहल। आप आगरा कैसे आ सकते हैं, आपका आगरा आने का टूर प्लान क्या होगा, बजट क्या होगा, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा और आपको यहाँ की बाकी प्लेसेस भी घुमाऊंगा। आगरा में ताजमहल ही नहीं है और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस मैं तो इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा क्योंकि ये सबसे खूबसूरत प्लेस है और इससे कम जो खूबसूरत प्लेसेस हैं वो मैं इसमें कवर करूंगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और घूमिए मेरे साथ आगरा। आगरा पहुंचना बेहद आसान है क्योंकि यहां रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट भी है। साथ ही दिल्ली से आगरा केवल 235 किलोमीटर है और रेगुलर ट्रेन या बस से आप आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुका हूं और निकलने वाला हूं आगरा की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। यहां पे मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि यहां पे घूमने के लिए एक दिन काफ़ी है और एक दिन में मैं सारी प्लेसेस आपको कवर करके दिखाता हूं। आगरा में स्टे करने के लिए आप होटल बुक कर सकते हैं समोवर, जो कि फतेहाबाद रोड पर पड़ता है और आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रूम्स प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं भी यहाँ पे स्टे किया था और यहाँ पे आप कोई ओयो से बुकिंग कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उससे आप बुकिंग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाएगी। ओयो की कोई भी प्रॉपर्टी हो आप लिंक से बुक करेंगे आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये अच्छे रोड पर भी है और यहाँ से आपको घूमने फिरने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि यहाँ घूमने के लिए मैं अकेले आया हूँ तो ओला का यूज़ कर रहा हूँ, बाइक का काफ़ी चीप पड़ेगा और सब जगह घूमने के लिए मैं यही यूज़ करूँगा। आगरा बहुत बड़ी सिटी नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, पर यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आते हैं इसलिए टूरिस्ट स्पॉट पर थोड़ा रश देखने को मिल सकता है। ताजमहल के आउटर कॉम्प्लेक्स में मैं आ चुका हूँ और यहाँ से अब टिकट लेने जाता हूँ, देखता हूँ कितने का है, आपको भी दिखाता हूँ। ताजमहल की जो एंट्री टिकट है वो है जनरल 50 रुपीज़ की। 50 रुपीज़ में आप बहुत ज़्यादा करीब से नहीं देख सकते हैं, अगर आप करीब से देखना चाहते हैं तो 250 रुपीज़ का आपका एंट्री टिकट लगेगा पर पर्सन का। अभी 3 महीने पहले ही इसे 250 रुपीज़ किया गया, नहीं तो पहले 50 रुपीज़ में ही आप करीब से इसे देख सकते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एंट्री की टाइमिंग है वो आपकी हो जाती है मॉर्निंग में, सनराइज से टिकट काउंटर ओपन हो जाते हैं, मॉर्निंग में आप आ सकते हैं और शाम को 5 बजे तक ये ओपन रहता है, तो इस टाइमिंग में आप आ सकते हैं। तो अंदर अब चलते हैं जल्दी से और आपको दिखाता हूँ कैसा है ताजमहल। वाइट बिल्डिंग में ताजमहल में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको शू कवर लेना पड़ेगा, 10 रुपीज़ में आप इनसे ले सकते हैं, बाहर ही मिल जाएगा। ये ताजमहल का एंट्री गेट है और ये ईस्ट गेट है, इसके अलावा वेस्ट और साउथ गेट भी है। ताजमहल के अंदर आते ही आपको इतिहास दिखने लगेगा। ताजमहल के कॉम्प्लेक्स में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे 3 एंट्री गेट हैं टोटल। ये साउथ गेट है जहाँ पे लेबर्स वगैरह जिन्होंने काम किया था, वो लेबर कॉलोनी उनकी अभी भी यहाँ पे जो पीढ़ियाँ हैं वो रह रही हैं। और यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ था ताजमहल का स्ट्रक्चर वो हुआ था 22 ईयर्स में और टोटल 20,000 वर्कर्स ने इसे कम्प्लीट किया था। ये वो सराय हैं जहाँ ताजमहल को बनाने वाले लेबर रहा करते थे। ताजमहल देखने के लिए आपको इसी गेट से जाना पड़ेगा। ताजमहल के पिक्चर पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ और मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं लोग जो सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टा पे अपनी फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं वो इन्हीं सब जगहों की होती है। मेरे साथ हैं प्रेम जी और ये है मेरे लविंग गाइड, और अगर आपको ट्रिप वगैरह करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर इनका दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट करके इनके थ्रू गाइडेड टूर करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। फाउंटेन के बगल वाले पेड़ पहले काफ़ी बड़े हुआ करते थे जिससे ताजमहल नहीं दिखता था, इसलिए बाद में इसकी कटिंग करा दी गई। ताजमहल में टोटल 16 गार्डन्स हैं और 53 फाउंटेन्स हैं और ये सिंबल है कि ये 1653 में बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे जो फाउंटेन्स वगैरह आप देख रहे हैं ये उस टाइम भी चला करते थे जबकि उस टाइम सबमर्सिबल वगैरह नहीं हुआ करता था और फिर भी ये चलता था ग्रेविटी वगैरह के थ्रू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेयर है, जो भी आता है यहाँ पे बैठता है और फोटो अपनी खिंचवाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे खींच खींच के यहाँ पे फोटो वगैरह खींचने से बैठने से यहाँ पे पूरा जो संगमरमर है वो गल गया है, थोड़ा नीचे हो गया है। और यहाँ पे आप सेलिब्रिटी फील कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, दिग्गज होते हैं, वो यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं और आप भी कोई भी यहाँ पे आगे फ़ोटो खिंचवा सकता है, तो ये आपके लिए सेलिब्रिटी वाली फीलिंग होगी।
₹50 में अगर आप टिकट लेते तो आपको ये प्लेसेस विजिट करने का मौका मिलता है। ₹250 में आप यहाँ पे आ सकते हैं और अंदर विजिट कर सकते हैं। मेरे जूते आप देख रहे होंगे, इसको कवर किया है मैंने ताकि यहाँ पे गंदगी ना हो सके। अंदर यहाँ पे एंट्री अगर आप करेंगे तो ये आपको ₹10 में मिल जाएगा। और मेरे बैक साइड में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये यमुना जा रही है, यहाँ से आपको दिखेगी ताजमहल के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ से आपको दिख जाएगा। और ये पूरा यहाँ का पिछला हिस्सा है, अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है तो आप नहीं ले जा सकते हैं। और यहाँ आने का जो बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में, आप जितनी जल्दी आ जाएं क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी हो जाती है, सुबह 6 बजे आप आ जाएं बहुत अच्छा टाइम रहेगा, भीड़ भाड़ भी कम रहेगी और घूमने में भी काफ़ी आसानी रहेगी और ठंडा रहेगा तो बढ़िया है। और दूसरी चीज़ की अगर आपको सर्दी वगैरह में आना है तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, पर गर्मी में प्रेफर करें कि आप मॉर्निंग में 6 बजे आ जाएं, आपके लिए बहुत आराम होगा घूमने में। तो गैस मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे एक सब्सक्राइबर मिले हैं, पवन जी हैदराबाद से हैं और इन्होंने मैं दिल्ली की मेरी वीडियो देखी थी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे मिल पा रहा हूँ, मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि कोई सब्सक्राइबर मेरे यहाँ पे मिलेंगे, बट बहुत ही हैप्पी हूँ मैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? तो बिल्कुल अच्छा है लेकिन बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है, हाँ ये तो है। आप मॉर्निंग में 6 बजे आए होते ना बहुत ही अच्छा रहता। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं आप? हाँ फर्स्ट टाइम कपल आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आए हैं और बहुत सेलिब्रेट करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे। आप भी यहाँ पे जल्दी से आ जाइए और घूमिए ताजमहल। ताजमहल के बाहर आपको कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, खाने पीने और यहाँ के फेमस पेठे की कई दुकानें मिल जाएंगी। आगरा में आप आए हैं और ताजमहल में आए हैं तो उसके बाहर आप यहाँ पे स्कल्पचर वगैरह यहाँ के ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे शॉप्स वगैरह हैं, आप यहाँ पे कई सारे आपको छोटे छोटे यहाँ पे ये ताजमहल देखने को मिल जाएंगे। इसको अपने साथ ज़रूर ले जाएं मेमोरी के तौर पर। ताजमहल के बाद मैं यहाँ की दूसरी पॉपुलर प्लेस आगरा फोर्ट गया। यहाँ का एंट्री टिकट ₹50 है। आगरा फोर्ट को देखकर आपको लगेगा कि आप मुगल काल में आ गए हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा लाल पत्थर का है। अब मैं आ चुका हूँ आगरा के आगरा फोर्ट में और ये बहुत ही बड़ा है और काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका। और यहाँ पे जो खिड़कियाँ वगैरह बनी है बहुत ही हवादार हैं, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे आके लगेगा। पुराने राजाओं ने ऐसा बनवाया है, उस टाइम पंखा वगैरह तो होता नहीं था तो इस तरह का बनवाया हुआ है कि आपको हर जगह खिड़कियाँ जो भी मिलेंगी काफ़ी हवादार होंगी। और यहाँ से आगरा का ताजमहल भी दिखेगा, क्योंकि आपको कैमरे में नहीं दिखेगा बट अगर सामने आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से आपको ताजमहल का देखने को मिलेगा। इस किले से आपको यमुना गार्डन्स और ताजमहल का नज़ारा दिखता है। इस किले में मस्जिद भी है और ये किला काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। वाकई में आगरा फोर्ट में आपको आकर लगेगा कि आप किसी पुरानी जगह पे आ चुके हैं और वाकई में पुरानी जगह तो है ही और बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ज़रूर आइए, आप यहाँ पे एंजॉय करेंगे, एंट्री फीस भी काफ़ी कम है यहाँ की। इस महल का सबसे अच्छा हिस्सा मुझे बंगाली महल लगा, जहाँ कुआं, आंगन और बावली भी है। आगरा में सभी टूरिस्ट प्लेस के बाहर फ्री में पानी के पीने का अरेंजमेंट है। अब मैं आ चुका हूँ मेहताब बाग में और यहाँ पर आके आपका मन बाग बाग हो जाएगा क्योंकि यहाँ से दिखता है ये व्यू। और ये बाग भी जो है, गार्डन है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी पीसफुल है। यहाँ पे बहुत कम क्राउड है, जैसा कि बाकी जगहों पे काफ़ी लोग आते हैं तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है, बट यहाँ काफ़ी कम क्राउड है, काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी शांत है और आराम से यहाँ पे बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कई सारी मूवीज़ की शूटिंग यहीं पर हुई है और यहीं से व्यूज़ जो दिखते हैं वो यहाँ के रहते हैं। मेहताब बाग काफ़ी बड़ा है और यहाँ के गार्डन में काफ़ी फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। मेहताब बाग और ताजमहल के बीच यमुना नदी बहती है, फिर भी ये आपको काफ़ी पास में लगेगा। मेहताब बाग काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे कपल्स के लिए बैठने के लिए बहुत सारे कोपचे बने हुए हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मेहताब बाग के बाद मैं इत्मादुद्दौला गया। ये एक मकबरा है और 1628 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर इस तरह के 4 गेट बनाए गए हैं और उनके बीच में टॉम बनाया गया है। मैं हूँ इत्मादुद्दौला में और यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो है यहाँ पे ₹30 का और ये पूरी पैसा वसूल प्लेस है। छोटी सी जगह है बट यहाँ से व्यू और आपको ठंडी ठंडी हवा बहुत मिलेगी यमुना के किनारे। यहाँ पर अगर मौसम खुशनुमा रहे तो घूमने का मज़ा दुगना हो जाता है और आप कोशिश करें कि विंटर में जाएं। यहाँ आप ऑटो से भी सारी जगह आसानी से कवर कर सकते हैं।
आगरा आए हैं तो यहाँ के स्ट्रीट फूड्स को जरूर टेस्ट करें। यहाँ आपको हर जगह पेठे की दुकानें दिखेंगी, क्योंकि यहाँ का पेठा मशहूर है। आप इवनिंग में यहाँ के सदर बाजार मार्केट जा सकते हैं, जहाँ पर कपड़ों, जूतों और खाने पीने की काफ़ी दुकानें हैं, जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब आगरा घूमने में आपका क्या खर्चा आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे होटल का खर्चा जो लगभग आएगा 1500 रुपीज से लेके 2000 रुपीज पर डे टू एडल्ट्स का खर्चा आएगा। यानी कि अगर आप देखा जाए तो 1000 रुपए लगभग आता है एक लोग का, और एक दिन से ज्यादा आपको यहाँ पे स्टे करना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेसेस है नहीं, 4-5 प्लेसेस ही हैं जहाँ पे आपको घूमना है। इसके साथ ही साथ मील्स का खर्चा लगभग आपका आ सकता है 500 रुपीज़, क्योंकि एक दिन रहना है, और कन्वेंस का खर्चा जो तीसरा है वो आपका लगभग आ सकता है 1000 रुपए से लेके 1200 रुपए का खर्चा। साइट सीन जो भी कर रहा कवर करने हैं आपको, आप चाहें तो सिंपली ऑटो बुक करें और एक जगह से दूसरी जगह जाएं, ऑटो छोड़ें तीसरी जगह जाएं, इसी तरह से कर सकते हैं जैसे आप शहर में घूमते हैं, क्योंकि सारी प्लेसेस शहर में ही हैं और हर जगह अवेलेबिलिटी आराम से मिल जाएगी। तो ये खर्चे हैं, इसको टोटल करेंगे तो लगभग आपका आता है पर पर्सन का अराउंड आएगा आपका 2000 रुपए से लेके 2200-2300 रुपए में आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। कोई यहाँ पे बहुत आपको घूमने के लिए हार्डकोर तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, आराम से सिंपली आ सकते हैं। एयरपोर्ट भी है, बस स्टैंड भी है और स्टेशन भी है, सभी तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं और घूम सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गर्मी में आए तो अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर लाए, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है, और साथ ही साथ सनग्लासेस वगैरह रखें। और अगर गर्मी में आ भी रहे हैं तो एक काम आप करें कि आप मॉर्निंग में आप घूमें, मॉर्निंग में यहाँ पे जितनी भी प्लेसेस है सनराइज़ के टाइम में ओपन हो जाती है, तो उस टाइम में आप घूमें और 12-1 बजे तक आराम से कवर करके आप वापस होटल में जा सकते हैं या फिर बैक टू होम कर सकते हैं। तो इतना ही है, और यहाँ पे साथ ही साथ पेठा ज़रूर ले जाएं, यहाँ का बहुत ही पॉपुलर है अपने चाहने वालों के लिए, और भी जो भी गिफ्ट्स वगैरह है यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।